बीपीसीजी 173 साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग। आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। आप भी टिक कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। यूनिट 1.2 कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। हेल्थ की डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद चलते हैं 1.3, क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा। 1.4 हेल्थ इलनेस, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो ये तीन क्वेश्चन हमें अच्छे से कर लेने हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। और हाँ, यूनिट एंड क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब यूनिट 2, इसमें बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। 2.2 मेडिकल मॉडल, इसे अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें तीन या चार मॉडल है, उसमें से एक आने की चांसेस है। यह है होलिस्टिक मॉडल ऑफ हेल्थ। मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से याद रखिएगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। समरी डिफरेंसेस दोनों के बीच का, मेडिकल मॉडल और होलिस्टिक मॉडल। फिर 2.4 बायो साइको सोशल मॉडल, इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा। सोशल मॉडल 2.5 एंड लास्ट 2.6 कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। तो यूनिट 2 में सिर्फ इतना है, और यूनिट एन क्वेश्चंस में देख लीजिएगा, लेकिन हमने जो टिक किया है उसमें से ही है। ओके, अब चलते हैं हम ब्लॉक 2 पे। यूनिट 3 कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस 3.2, आप मेरे साथ टिक कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगी। नेचर ऑफ स्ट्रेस, अगर आप BA/GK के स्टूडेंट हैं तो सेकेंड ईयर में ये सारे टॉपिक्स आ चुके हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ये इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, ये सब अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस 3.4, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस 3.5, थोड़ा सा उसके मेन जो पॉइंट है उसे अच्छे से याद रख लीजिएगा तो आसानी होगी। तो इसमें से सिर्फ इतना ही मिलेगा हमें। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, यूनिट 4। 4 में 4.2 फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। उसमें इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं, टाइप ए हॉस्टेलिटी, तो इसमें से कोई भी आ सकता है। फिर 4.3, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से दो ही हमें मिलेंगे, उसे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट 5, 5.2 इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ, फाइव पॉइंट थ्री, इसे सिर्फ एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो चलेगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 5.4 को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब ब्लॉक 3, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कॉपिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। गोल्स, इसे भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ये 6.3। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, यूनिट 7, 7.2 ये आने के चांसेस है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इसे तो ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे मेडिटेशन। 7.4
ओके। और ये आप जो टाइप्स ऑफ आसनास है उसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। माइंडफुलनेस 7.5, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। 7.6 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट यूनिट 8। 8.2 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8.3 ये भी इम्पोर्टेंट है। 9.2 ये असाइनमेंट में भी आ चुका है, इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस है। 9.3 इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। यूनिट 10, 10.2 एक्यूट एंड क्रोनिक पेन। 10.3 इसे सिर्फ आपको देख लेना है। यूनिट 11 पे चलते हैं अभी। 11.2 शॉर्ट नोट में आने के चांसेस है। 11.3 ये आगे आप पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। 11.4, 11.5। अब नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। 12, 12.3 12.4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 12.4.2 होप थियरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अप्रोचेस टू ऑप्टिमिज्म ये भी थोड़ा सा कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट में आने के चांसेस है। 12.5 12.6 को एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा, 12.7 को भी। बस तो इतना ही है हमारा, इतना आप कर लीजिए।